चैनल, आज हम समझने वाले हैं ब्लॉकचेन क्या है। इसको हम कम से कम शब्दों में, सरल से सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप ये चार फीचर्स की हेल्प से ब्लॉकचेन को बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कहने का तात्पर्य है कि ब्लॉकचेन बहुत सारे रिकॉर्ड्स, डेटा या फाइल्स या ट्रांजेक्शन्स का एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सेकेंड इज़ लिंक्ड विद ईच अदर, ये सारा ही डेटा, सारा ही कंटेंट आपस में किसी ना किसी तरह से लिंक्ड होता है, जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने में हमारी मदद करता है। थर्ड इज़ स्ट्रांगली रेजिस्टेंस टू ऑल्टरेशन, ये सारा ही डेटा एक बार फीड हो जाता है जब भी ब्लॉकचेन में, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई ऑल्टरेशन, कोई टेम्परिंग हमारे डेटा के साथ अलाउड नहीं होती है। फोर्थ इज़ प्रोटेक्टेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लॉकचेन में मौजूद होती हैं, ये सारा डेटा मौजूद होता है, और इसको हाईली सिक्योर बनाने के लिए हम क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम ब्लॉकचेन को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड लिंक्ड विद ईच अदर, विच इज़ स्ट्रांगली रेजिस्टेंट टू ऑल्टरेशन एंड इज़ प्रोटेक्टेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस, ठीक है। नाउ ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉकचेन बहुत सारे ब्लॉक्स का एक चेन होता है, ये सारे ही ब्लॉक्स आइडेंटिकल होते हैं, और इन ब्लॉक्स में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। किसी भी ब्लॉक को आप तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसमें फीड की जाती हैं। पहला इज़ डेटा, उस ब्लॉक में ऑब्वियसली जो डेटा होगा वो रिसाइड करेगा, उस ब्लॉक को उसके हैश वैल्यू से हम लोग पहचानते हैं। और दूसरी जो वैल्यू होती है, दैट इज़ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, वो ब्लॉक किस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है उसका हैश वैल्यू को भी हम इसमें स्टोर करते हैं। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन ब्लॉक। डेटा का मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। डेटा का मतलब है आप जो भी ट्रांजेक्शन इसमें फीड कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रांजेक्शन स्टोर कर रही हूँ किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो डेटा क्या होगा कि किसने वो पैसे भेजे हैं, किसको भेजे हैं और कितना अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डेटा इन अ ब्लॉक। नाउ व्हाट इज़ हैश? हैशेज आर क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी कंटेंट को डिफाइन करने के लिए। तो हर ब्लॉक यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके उसके लिए हम एक हैश वैल्यू उसको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज़ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। प्रीवियस ब्लॉक कहने का मतलब है किसी भी ब्लॉक चेन में दिस रेड ब्लॉक, इसका हैश, इसमें हम लोग प्रीवियस हैश यानी कि इस येल्लो ब्लॉक का हैश वैल्यू हम इसमें स्टोर करेंगे। सिमिलरली इस ग्रीन ब्लॉक का हैश वैल्यू हम येल्लो ब्लॉक में स्टोर करेंगे, जिससे कि हम एक चेन का फॉर्मेशन कर सकें। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इस बात को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि दिस येल्लो ब्लॉक, इसका हैश है 6BQ1, जो कि हमने इसके साथ स्टोर किया है, और इस ब्लॉक में इसके ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक यानी कि दिस ब्लॉक 1, इसका हैश वैल्यू विच इज़ 1Z8F, इसको भी स्टोर किया है। ये सारा चेन फॉर्म होता रहेगा, बट अगर आप देखेंगे तो दिस ब्लॉक 1, इसका हैश वैल्यू तो गिवन है बट प्रीवियस हैश वैल्यू इज़ नल। इसी को समझाने के लिए हम कहते हैं किसी भी ब्लॉक चेन में जो पहला ब्लॉक होता है इज़ द जेनेसिस ब्लॉक, यानी उसको, उस ब्लॉक से हम किसी भी ब्लॉक चेन की शुरुआत को समझते हैं। तो दिस इज़ द जेनेसिस ब्लॉक। ओके, ये पूरा ही ब्लॉक चेन आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में बना हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग सरल भाषा में P2P या फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है? आपके पास एक ब्लॉकचेन होगी, वो ब्लॉकचेन की कॉपी आपके सारे ही नोड्स को मिलेगी। ये सारे ही नोड्स सिमिलर ब्लॉकचेन की कॉपीज अपने पास होल्ड करती हैं। जब भी कोई नया ब्लॉक आइडेंटिफाई किया जाता है, इस नए ब्लॉक को हम लोग सारे ही ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट उससे पहले हमें उसे करना होता है वेरीफाई। ये सारे ही नोड्स जो होंगी इस नए ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड ब्लॉक्स, ब्लॉक को वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे फीड किया है, बट अभी इसको हमने ब्लॉकचेन में ऐड नहीं किया है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, हम इस ब्लॉक को प्रीवियस ब्लॉक के साथ मर्ज कर देते हैं या लिंक कर देते हैं, और सिमिलर कॉपी सारी ही नोड्स कॉपी कर लेती हैं, यानी ब्लॉकचेन की एक कॉपी सारी नोड के पास सिमिलर होगी। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारी ही नोड आपस में एक कंसेंसस में आए। कंसेंसस इज एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मतलब है कि सारी नोड एग्री करती हैं कि इस ब्लॉक को इस ब्लॉकचेन में ऐड कर लिया जाना चाहिए। ब्लॉकचेन का एक आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे हम उसके साथ एक ब्लॉक हेडर को डिफाइन करते हैं। तो ब्लॉक में हम लोग एक ब्लॉक हेडर ऐड करते हैं, जब भी वो ब्लॉक बन जाता है उसके साथ एक ब्लॉक हेडर, जिसके अंदर उसका टाइम स्टैम्प यानी ट्रांजेक्शन कब अकर हुआ है, कौन सा वर्जन है ब्लॉकचेन का,
मर्कल रूट, उसका डिफ़िकल्टी लेवल, नॉन्स और प्रीवियस ब्लॉक का हैश वैल्यू हम लोग फीड करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे ब्लॉकचेन के, ब्लॉकचेन में कुछ खामियां हैं, उन खामियों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, कॉम्प्लेक्स फॉर बिगिनर्स। नए लोग जब ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, रेगुलर डेवलपमेंट से निकलने में उनको समय लगता है। इस वजह से स्टार्टिंग फेजेस में कॉम्प्लेक्सिटी बिगिनर्स के लिए देखी जाती है। सेकंड इज स्पीड, स्पीड इज स्लो। अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें तो एक वीज़ा कार्ड एक सेकंड में 1000 ट्रांजैक्शंस करने में केपेबल होता है। वहीं पे अगर हम एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक सेकंड में 7 to 10 ट्रांजैक्शंस ही अकर किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज है एक क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्ट करने में और एक रेगुलर सेंट्रलाइज करेंसी को ट्रांजैक्ट करने में। तो स्पीड इज स्लो। थर्ड डिसएडवांटेज इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि माइनिंग कैसे होती है और ये माइनिंग में हम कितना एनर्जी वेस्ट करते हैं, कितने रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। ये सारे ही रिसोर्सेज बहुत वैल्यूएबल हैं और इनका बहुत लार्ज अमाउंट में वेस्टेज हमें देखने को मिलता है जब भी हम लोग ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है ब्लॉकचेन में, कोई भी उसमें मॉडिफाई या चेंजेस नहीं कर सकता है, बट ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टी है कि डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो डेटा वहाँ अवेलेबल है, डेटा कोई भी देख सकता है, एनीवन कैन व्यू योर डेटा। इवन दो वो चेंज नहीं कर सकते बट वहाँ पे डेटा दिख सबको सकता है। तो देर इज़ नो सीक्रेसी, देर इज़ नो प्राइवेसी सिक्योरिटी होने के बावजूद। लास्ट डिसएडवांटेज सिक्योरिटी प्राइवेसी के रिस्पेक्ट में ही है, विच इज़ 51% अटैक। इसको मैं किसी एक लेक्चर में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी, बट 51% अटैक इज़ जब हमारे नेटवर्क का 51% ऑफ द नोड्स एक तरफ हो जाती हैं या मलिशियस हो जाती हैं, जो हमारे नेटवर्क को करप्ट करने की पावर रखती हैं, उस केस में हमारा ब्लॉकचेन फेल हो सकता है। दिस इज़ अ डिसएडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू योर ब्लॉकचेन। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम ब्लॉकचेन में फेस करते हैं। आई होप इस लेक्चर से हमें समझ में आया होगा ब्लॉकचेन क्या है और सिंपल भाषा में इस ब्लॉकचेन को समझने में हमें आसानी हुई होगी। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।